नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी किचन में। आज हम बनाने वाले हैं ड्रमस्टिक का अचार, यानी कि सहजन का अचार। सहजन का अचार बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होता है। सहजन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, जैसे कि स्किन, हेयर, पेट। सहजन डायबिटीज पेशेंट वालों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। जब ये चीज़ हमारी बॉडी के लिए इतना फायदेमंद है, तो क्यों ना हम इसका रेगुलर बेसिस पे यूज़ करें। गाइस, सहजन का अचार बनाने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि अचार बनाने के लिए हमें बेबी ड्रमस्टिक का यूज़ करना है, ना कि उस ड्रमस्टिक का जिसमें बीज पड़ गया हो। बेबी ड्रमस्टिक का आप यूज़ करेंगे तो आपका अचार जल्दी से खाने के लिए रेडी हो जाएगा। सेकंड थिंग कि आपको ड्रमस्टिक को अच्छे से धोकर सुखा लेना है, यानी कि 2 से 3 घंटे धूप में डाल देना है। अगर धूप नहीं है तो आप 4 से 6 घंटे पंखे की हवा में भी उसे सुखा सकते हैं। अगर आप अचार बनाने से पहले इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका अचार भी बहुत टेस्टी बनेगा। सो गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिएगा। चलिए गाइस, बनाते हैं ड्रमस्टिक यानी कि सहजन का अचार। ड्रमस्टिक का अचार बनाने के लिए हमें चाहिए ड्रमस्टिक। ये मैंने छोटे वाले लिए हैं, बेबी ड्रमस्टिक। इसका अचार बहुत ही अच्छा बनता है और इसे मैंने अच्छे से वॉश करके 1-1 इंच कट करके इसको मैंने धूप में सुखाया है। धूप में सुखाने का रीज़न एक ये भी है कि हमारे अच्छी है उसमें जो पानी रहता है वो एब्जॉर्ब सूख जाता है, प्लस इससे अचार जल्दी ख़राब नहीं होता। और अचार बनाने के लिए हमें कुछ मसालों की ज़रूरत है, जिसमें से 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1.5 टीस्पून नमक, 1/2 बाउल मैंने सरसों का ऑयल लिया है, 2 टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1.5 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा, 1.5 टीस्पून कोरिएंडर सीड्स, 1/2 टीस्पून मैंने कलौंजी ली हुई है, 1 टीस्पून मैंने सरसों ली है राई यानी, 1/2 टीस्पून मैंने अजवाइन ली है और 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। तो अब हम इन सभी मसालों को हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। रोस्ट करने से इनका मॉइस्चर ख़त्म कर हो जाएगा, जिससे कि हमारा अचार ज़्यादा टाइम तक सही रहेगा और ख़राब नहीं। सबसे पहले गैस ऑन कर लेंगे और एक पैन में हम ये डाल रहे हैं 3 टीस्पून सौंफ, 2 टीस्पून राई, 1 टीस्पून जीरा एंड 1 टीस्पून मेथी दाना। इन सभी का हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे बस 1 मिनट के लिए, क्योंकि हमें इसका मॉइस्चर निकालना है, ना कि हमें इसे भूनना है। मतलब अच्छे से रोस्ट हमें इसे नहीं करना है, बस इनका मॉइस्चर निकालने के लिए हम इन्हें हल्का सा रोस्ट करेंगे। हल्की सी खुशबू आने लगी है रोस्ट होने की, तो हम गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे। इससे ज़्यादा हम इसे रोस्ट नहीं करेंगे। इसका मॉइस्चर भी हम पैन में ही इसे ठंडा कर लेंगे, जिससे थोड़ा सा ये और रोस्ट हो जाए और इसका मॉइस्चर भी निकल जाए अच्छे से। तो हम इसे थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हम इसे ग्राइंडिंग कर लेंगे मिक्सी जार में डाल करके। अच्छे से हमारे सारे मसाले अचार के लिए ठंडे हो चुके हैं, तो हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। हमें इसे ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, इनको दरदरा पीसना है, थोड़ा सा मोटा। सो अब हम इसे मिक्सी जार में डाल करके हम इसे पीस लेंगे। गरम पैन में कलौंजी को थोड़ा सा रोस्ट कर देंगे, जिससे इसका भी मॉइस्चर निकल जाए। मसालों को मैंने पीस लिया है और इन्हें मैंने ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है, थोड़ा सा दरदरा ही पीसा है, क्योंकि अचार में थोड़ा सा मोटा मसाला ही अच्छा लगता है देखने में। सो गाइस, अब हम 1 बाउल ले लेते हैं और इसमें मैं सारी सहजन ट्रांसफ़र कर देती हूँ। इसका अचार बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। अब हम इसमें जो मैंने मसाला पीसा है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, ये अचार बनाना बहुत ही सिंपल है। आमचूर पाउडर, ये कलौंजी जो कि मैंने हल्का से रोस्ट किया है बस,
गरम तवे पे ही डाला है, और ये रेड चिली पाउडर, और इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल आवश्यकता अनुसार ही हम यूज़ करेंगे, जितना इसमें ज़रूरत है, और इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको सरसों के तेल का कच्चापन नहीं पसंद है, कड़वापन नहीं पसंद है सरसों के तेल का अगर आपको, तो आप ये हल्का सा कढ़ाई में गरम करके उसमें सारे मसाले ऐड करके ड्रमस्टिक को उसमें हल्का सा 1 से 2 मिनट के लिए पका सकते हैं। इससे ड्रमस्टिक जल्दी रेडी हो जाएगी खाने के लिए, इसका पिकल। और अगर नहीं आपको इसका सरसों के तेल का कड़वापन पसंद है तो आप ऐसे ही, क्योंकि पिकल में सरसों के तेल का कच्चापन ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ये मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं ड्रमस्टिक में, तो लास्ट में हम इसमें विनेगर डालेंगे। विनेगर डालने से हमारा अचार काफ़ी समय तक अच्छा बना रहता है, मतलब जल्दी से ख़राब नहीं होता है, काफ़ी दिनों तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। और ये ड्रमस्टिक हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट है, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है। ड्रमस्टिक एक ऐसा पौधा है जिससे इसके फल पत्तियां हर एक चीज़ औषधि के रूप में काम आती हैं। सो गाइस, आप ज़रूर से ज़रूर इस ड्रमस्टिक का सेवन करें, और सो आप ज़रूर इसका पिकल बना कर रखिए, ये बहुत ही टेस्टी भी लगता है, प्लस हेल्दी भी होता है। सो ड्रमस्टिक का पिकल बनकर एकदम रेडी है। अब हम इसे, इस पिकल को हम 2-3 दिन तक हल्की धूप में रखकर इसे धूप दिखा देंगे, इसके बाद ये खाने के लिए एकदम रेडी है। दोस्तों, ड्रमस्टिक का पिकल बनकर एकदम रेडी है, यानी कि सहजन का पिकल बनकर एकदम रेडी है। आप इस तरह से सॉफ्ट वाले यानी बेबी ड्रमस्टिक का पिकल बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप मोटे वाले ड्रमस्टिक का भी पिकल बना सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ बताइएगा। और ये अचार बहुत ही टेस्टी बनता है, इसकी स्मेल इतनी टेस्टी लग रही है कि लग रहा है ऐसे ही खा लो। सो गाइस, लेकिन इसके पकने का हमें वेट करना होगा। तो अब हम इसे एक जार में भर कर रख देते हैं, और 2 से 3 दिन के बाद ये अचार खाने के लिए एकदम रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, और एक बार आप बनाएंगे तो महीनों खाएंगे, और ये ख़राब भी नहीं होता है, आप इसे स्टोर करके काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं। सो गाइस, कैसा लगा आपको आज हमारा वीडियो? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ गाइस लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल, और प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ सकें। और हम इसे एक कांच के बर्तन में भर के रख देंगे। पिकल को हमेशा कांच के बर्तन में ही रखिएगा, स्टील के बर्तन में मत रखिएगा, उससे पिकल ख़राब भी हो जाता है और टेस्ट भी गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि ये मसाले रिएक्शन करते हैं मेटल के साथ। इसलिए हमेशा याद रखिए, या तो चीनी मिट्टी के बर्तन में या फिर कांच के बर्तन में आपको अचार रखना है। 2 से 3 दिन तक आप इसे धूप दिखाइएगा, उसके बाद बहुत ही टेस्टी अचार बन जाता है ये।